हे गाइस, आज लाए हूँ आपके लिए पिकनिक क्लासिक टमाटो चिली, जो कि एक क्विक लोकल फूड है। आई थिंक लोकल पैकेट है, जो यहाँ पे हमारी शॉप के पास ही मिलता है। तो चलो गाइस, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको ओवरऑल लुक उसका जो दिखने में कुछ ऐसा मिलता है। देख सकते हो, ये जो पैकेट है पिकनिक क्लासिक टमाटो चिली। और पीछे तरफ दिखाता हूँ, यहाँ पे गाइस, यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है 5 रुपये, आपको यहाँ पे मिलता है 13.3 ग्राम, मतलब कि 10 3.3 ग्राम ऑर्केस्ट्रा मिलते हैं यहाँ पे। तो चलो गाइस, इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने यहाँ पे इसको कैंची से काट लिए, तो दिखा दिखा सकता हूँ यहाँ पे गाइस, आपको दिखने में कुछ अंदर से ऐसे मिलता है। और यहाँ पे थोड़ा स्टिक जैसा आपको यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे कुछ मसालेदार, यहाँ पे थोड़ा खुशबू आ रही है। तो चलो गाइस, मैं आपको यहाँ पे अपना बाउल लाता हूँ, बाउल ला के दिखाता हूँ यहाँ पे इसका टेस्ट कैसे। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे दिखने में आपको कुछ ऐसे मिलते हैं स्टिक्स टाइप के। और ये जो पैकेट है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, पूरा खाली हो चुका है। पिकनिक क्लासिक टमाटो चिली। नॉर्मली हमारी दुकान के पास एक एक ऐसा चिप्स मिलता है, तो मैंने इसको जो सोचा कि आपके लिए एक अनबॉक्स वीडियो बना लूँ। तो गाइस, इसको हम खा के टेस्ट करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे दिखने में आपको जो कुछ छोटे मोटे स्टिक जैसा हमको मिलता है, अगर मैं पास में दिखाऊँ, दिखने में कुछ आपको ऐसे मिलता है यहाँ पे। तो चलो गाइस, इसको मैं आपको टेस्ट कर दिखाता हूँ यहाँ पे, इसका टेस्ट कैसा है यहाँ पे। तो गाइस, मैंने इसको टेस्ट करके देख लिया है, जो ये सॉरी गाइस, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे कोई गलती हुई। जो पिकनिक क्लासिक टमाटर चिली, जो ये पैकेट आप देख सकते हैं, जो हमारे यहाँ पे लोकल ये पैकेट ब्रांड आती है। तो गाइस, इसके हम टेस्ट की बात करूँ, तो गाइस का जो टेस्ट है, मुझे तो कुछ खास ज़्यादा नहीं लगा जब मैंने एक्सपेक्ट किया था। तो उसका जो टेस्ट है यहाँ पे ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि थोड़ा सा बस, जैसे कि आप जो एक नमकीन जो है तक आप इसे खा रहे हो नॉर्मली, तो यहाँ पे वैसे ही मुझे यहाँ पे फील आया। और चिली की बात करें, टमाटर चिली, यहाँ पे टमाटर चिली की कुछ भी टेस्ट नहीं है, मतलब कि हल्का सा एक मसाला टाइप का कुछ टेस्ट आ रहा है, वो भी कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मसाला कुछ ज़्यादा डाला ही नहीं है, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मसाला बहुत कम डाला, या फिर ना के बराबर है। मतलब कि आप बात करें, जैसे आप उसको खाते हैं तो खाने में आपको 20% या 30% आपको मसाला एक फील आएगा, लेकिन जैसे आप खाते हो तो ऐसा लगता है कि इसमें हम मसाला की कमी या फिर कुछ कुछ मिसिंग है इसमें, तो मुझे वैसा फील हुआ। तो मुझे अभी प्रोडक्ट तो ज़्यादा कुछ खास मुझे मज़ा नहीं है इसे खाने में। तो चलो गाइस, बात करते हैं इसके रेटिंग के बारे में। अगर गाइस मैं इसकी रेटिंग दूँ, तो आई थिंक मिनिमम रेटिंग देना सही रहेगा, जितना भी होना चाहिए, 3 out of 10। तो ये जो प्रोडक्ट है गाइस, ये तो लोकल प्रोडक्ट है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं 3 में से 10 10 में से 3 दूंगा उसको। तो मेरे हिसाब से आप गाइस आकर बताना अगर आपने कभी खाया ये प्रोडक्ट, जो ये प्रोडक्ट पिकनिक क्लासिक टमाटो, तो कमेंट में बताना अगर कैसा आपको प्रोडक्ट लगा। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।